नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की इस वीडियो में हम Hyundai Venue के साथ में महिंद्रा XUV 300 को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ियां हैं और दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग में 33,000 रुपीस से लेकर 119,000 रुपीस का लंबा चौड़ा प्राइस गैप है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने लिए एक सही चुनाव कर पाएंगे कि आपको Venue लेनी चाहिए या फिर XUV 300। क्या आपको लगता है Venue आपको XUV 300 से ज़्यादा मजबूत बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है क्या वो आपको Venue लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइस रेंज और सेगमेंट से। शुरुआत करेंगे सेगमेंट से तो दोनों ही गाड़ियां सब 4 मीटर SUV कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ियां हैं। इस सेगमेंट की प्राइस स्टार्ट होती है 6,70,000 रुपीज़ से लेकर 13,00,000 रुपीज़ प्लस तक ये चली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों की लेंथ बराबर है लेकिन XUV 300 विड्थ के मामले में 51 mm, हाइट के मामले में 22 mm और व्हील बेस के मामले में लगभग 100 mm ज़्यादा बड़ी है। अब आगे बढ़ेंगे वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो Venue में आपको मिलता है 1 लीटर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पर और 171 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा 1500 से लेकर 4000 RPM पर। वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 110 PS की पावर देगा 5000 RPM पर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 2000 से लेकर 3500 RPM पर। अब बात करते हैं डीजल के बारे में। तो Venue में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 100 PS की पावर देगा 4000 RPM पर और लगभग 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 RPM पर। वहीं महिंद्रा की XUV 300 में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलेगा जो कि 116 PS की पावर देगा 3750 RPM पर और लगभग 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है 1500 से लेकर 2500 RPM पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है। तो एक नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों के कर्ब वेट पर जिसे जानकर आपको एक बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। शुरुआत करेंगे Venue के वजन से। तो उसका वजन है 1058 किलोग्राम से लेकर 1372 किलोग्राम तक। वहीं XUV 300 का वजन है 1307 किलोग्राम से लेकर 1404 किलोग्राम तक। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि XUV 300 का NCAP क्रैश टेस्ट हो चुका है जो कि 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आई है और इंडिया की सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली गाड़ी है। वहीं Hyundai Venue का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जहां पर Hyundai की Venue में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं XUV 300 में आपको मात्र 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस के बारे में। तो Venue में आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, वहीं XUV 300 में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर Venue में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं XUV 300 में आपको 42 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और हमेशा की तरह लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों की माइलेज पर भी हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। XUV 300 में आपको 17 KMPL से लेकर 20 KMPL तक का कंबाइन माइलेज मिल जाता है। वहीं Hyundai की Venue में 18 KMPL से लेकर 23.7 KMPL तक का आपको कंबाइन माइलेज ऑफर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के मामले में। तो Venue में जहां पर आपको 350 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, वहीं महिंद्रा की XUV 300 में
सेगमेंट का सबसे लोएस्ट 257 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात करते हैं। तो जहां पर वेन्यू में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, वही XUV 300 में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, LED DRLs मिल जाएंगी, LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प मिल जाएंगे, फ्रंट फॉग लैंप्स आपको मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के और 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर करती हैं। दोनों ही गाड़ियों में रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियां आपको रियर स्पॉइलर ऑफर करती हैं। दोनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर का फीचर मिलता है। SUV होने की वजह से दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट इस दोनों गाड़ियों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर देखने को मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब देखने को मिल जाएगा, टिल्ट पावर स्टीयरिंग का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 एंड 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक नेसेसरी फीचर्स जैसे कि AM/FM, USB, ऑक्सिन, MP3, ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दोनों गाड़ियां ऑफर कर देती हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज रियर व्यू पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर वाइपर एंड वॉशर और कुछ कनेक्टेड कार फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियां ऑफर करती हैं। सेफ्टी के मामले में दोनों ही गाड़ियों में जहां वेन्यू में 6 एयरबैग्स मिलते हैं, XUV 300 में आपको 7 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS प्लस EBD आपको देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा एंड द लास्ट इज हिल होल्ड असिस्ट का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर कर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेन्यू में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको महिंद्रा की XUV 300 में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो कि है शार्क फिन एंटेना। नेक्स्ट इज डे नाइट IRVM विद टेलीमेटिक स्विचेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि SOS रोड साइड असिस्टेंस और ब्लू लिंक के लिए है। 33 कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाएंगे, फैब्रिक प्लस लेदर सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर का सिस्टम आपको मिल जाता है, डेड पेडल फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट के साथ साथ आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर XUV 300 आपको मात्र AMT ऑफर करती है, Hyundai की वेन्यू आपको इससे सस्ते में 7-speed DCT ट्रांसमिशन ऑफर करती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महिंद्रा की XUV 300 में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको Hyundai की वेन्यू में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो इसमें आपको प्रीमियम लेदरेट सीट मिल जाती हैं, ड्यूल जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स मिल जाएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर्स देखने को मिल जाता है, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी मिल जाएगी, माइक्रो हाइब्रिड कनेक्टिविटी आपको मिलती है, टायर पोजिशन डिस्प्ले और टायर ट्रॉनिक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऑटो डिमिंग IRVM का फीचर भी ये आपको ऑफर करती है, साथ ही साथ में आपको रोल ओवर मिटिगेशन का फीचर मिल जाता है। इसके अलावा आपको मिलेंगे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, चारों के चारों डिस्क ब्रेक, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट हीटेड ORVM जैसे फीचर आपको XUV 300 ऑफर करती हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर महिंद्रा की XUV 300 में आपको मात्र 2 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, वही Hyundai की वेन्यू में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक का रोड साइड असिस्टेंस दिया जाता है। अब थोड़ी सी बात दोस्तों मेंटेनेंस पर भी कर लेते हैं। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि महिंद्रा के मुकाबले में Hyundai के मेंटेनेंस ज़्यादा सस्ता आता है, बेहतर वारंटी के साथ में आती है और महिंद्रा के मुकाबले Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप सभी को मालूम ही होगा कि मारुति के बाद में Hyundai एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका इंडिया में मेंटेनेंस सबसे सस्ता माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर जो कि है प्राइसिंग। प्राइसिंग बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ दोस्तों कि मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। वेन्यू का जो पेट्रोल टॉप वेरिएंट है SX ऑप्शनल मैनुअल में ड्यूअल टोन रूफ के साथ में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 10,95,000 रुपीज़ का। वहीं SX प्लस वेरिएंट ड्यूअल टोन रूफ के साथ में 7-speed DCT में आपको मिलता है 11,50,500 रुपये का।
वहीं महिंद्रा की XUV 300 का जो पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट है W8 ऑप्शनल, जिसमें सिर्फ मैनुअल मिलता है, किसी भी तरीके से AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या फिर DCT नहीं मिलता है, ये आपको मिलेगा 11,84,000 रुपीज़ का, जो कि Hyundai की वेन्यू से 33,000 रुपीज़ 500 से लेकर 89,000 रुपीज़ तक महंगा आता है और इसमें कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोस्तों डीजल के बारे में, तो वेन्यू में जो डीजल का टॉप वेरिएंट है SX ऑप्शनल ड्यूल टोन रूफ के साथ में मैनुअल में, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 11,49,800 रुपीज़ का मिल जाता है। इसमें किसी भी तरीके से आपको कोई भी AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या फिर DCT नहीं मिलता है। वहीं महिंद्रा की XUV 300 का जो डीजल में टॉप एंड वेरिएंट है W8 ऑप्शनल मैनुअल में, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको मिलता है 12,14,000 रुपये का, और AMT में आपको मिलेगा 12,69,000 रुपीज़, जो कि वेन्यू के डीजल वेरिएंट से लगभग 64,000 रुपीज़ 200 से लेकर 1,19,200 रुपीज़ तक महंगा आता है। इसके अलावा अगर इन वेरिएंट्स में आपको ड्यूल टोन रूफ का कलर ऑप्शन लेना है तो 15,000 रुपीज़ अलग से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के कॉम्पिटिशन पर, तो इन दोनों गाड़ियों के अलावा सेगमेंट में आपको टाटा की नेक्सॉन देखने को मिल जाएगी, मारुति की ब्रेजा और फोर्ड की इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, और कुछ हद तक अपनी प्राइस और फीचर्स के दम पर Hyundai की क्रेटा और किया की सेल्टोस भी इन गाड़ियों को कंपटीशन देती है। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर, शुरुआत करेंगे वेन्यू से, तो वेन्यू के टॉप एंड वेरिएंट्स मुझे ओवर प्राइस लगते हैं। वेन्यू के केबिन में जो स्पेस है वो काफ़ी एवरेज है और स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। वेन्यू में डीजल ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, साथ ही साथ में वेन्यू की जो वेरिएंट लाइनअप है और फीचर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा वियर्ड है। XUV 300 के भी टॉप एंड वेरिएंट दोस्तों काफ़ी महंगे और ओवर प्राइस्ड है। इसमें भी इंटीरियर और फिट एंड फिनिश की क्वालिटी कुड हैव बीन मच बेटर। इसमें भी आपको काफ़ी एवरेज केबिन स्पेस देखने को मिल जाता है, लोएस्ट बूट स्पेस मिलता है सेगमेंट में, साथ ही साथ में इसके NVH लेवल जो है वो थोड़े से ज़्यादा हैं। अब ओवरऑल अगर हम दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ है और किसी एक गाड़ी को क्लियर विनर कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर XUV 300 बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ में आती है, बेटर सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर कम्फर्ट, इंजन का बेहतरीन परफॉर्मेंस, 7 एयरबैग्स और NCAP 5 स्टार क्रैश रेटिंग जैसी चीज़ों की वजह से मेरे मायने में XUV 300 स्लाइटली बेटर साबित होती है। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे हिसाब से अपने लिए मैं दोनों में से अगर मुझे पेट्रोल कार चुननी है तो पेट्रोल में मैं Hyundai की वेन्यू को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उसमें 7-speed DCT ट्रांसमिशन मिलता है, साथ ही साथ ये महिंद्रा की XUV 300 से 33,000 रुपीज़ से लेकर लगभग 89,000 रुपीज़ तक सस्ती आती है। वहीं अगर मुझे डीजल में कार चुननी है तो डीजल में मैं XUV 300 को लेना चाहूँगा, बावजूद इसके कि XUV 300 Hyundai की वेन्यू से 60,200 रुपीज़ से लेकर 1,19,200 रुपीज़ तक महंगी आती है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से डीजल में मैं डेफिनेटली XUV 300 की ओर जाना चाहूँगा। अब ये आपको तय करना है दोस्तों, आपको सोचना है कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सी चीज़ों को आप तवज्जो देना चाहते हैं और दोनों में से कौन सी गाड़ी अपने लिए घर लाना चाहते हैं। आपकी राय में आज की इस वीडियो में दोस्तों दोनों में से कौन सी गाड़ी क्लियर विनर साबित होती है, इसकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।